हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ एंटी स्लिपरी टेप के बारे में। गाइस, आप सबने सुना होगा कभी ना कभी, अपनी फैमिली में देखा होगा कि जो ओल्ड एज लोग होते हैं जो कभी आप बाथरूम में स्लिप हो जाते हैं, या इनफैक्ट हम लोग भी हैं, जब जहाँ पे पानी होता है, जो सरफेस होता है हमारे घर का या इस कॉमर्शियल रेजिडेंशियल स्पेसिस के अंदर, तो अगर कहीं पे पानी पड़ा होता है तो वहां पे हम लोग स्लिप कर जाते हैं और बहुत ज्यादा हाई इंजरी हो जाती है लेग्स पे या बैक पे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली एक परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं बोलूंगा, बट एक ऐसा टेम्परेरी सॉल्यूशन है जो भी काफी लॉन्ग टर्म तक यूज हो सकता है, स्पेशली टॉयलेट्स के अंदर और अलग ऐसे स्पेसिस पे। तो मैं बेसिकली आपको फटाफट से मटेरियल के बारे में बताता हूं। तो बेसिकली एक एंटी स्लिपरी टेप आती है जिसको आप यूज कर सकते हैं, और मेरे पास इसका पैकेट भी है और ये एक सैंपल भी है, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा। तो एंटी स्लिपरी टेप होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग एडिशन होता है, काफी अच्छी चिप जाती है, मैंने इसको यूज किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। रेजिस्टेंट टू वाटर है, रेजिस्टेंट टू टेम्परेचर है, रेजिस्टेंट टू यूवी रेज एंड क्लीनिंग एजेंट्स है, रेजिस्टेंट टू वियर एंड टियर है। और इसमें बेसिकली ये जो पैकेट है ये मैंने रिसेंटली मार्केट से लिया, तो मैं इसकी प्राइसिंग बता देता हूँ। इसकी जो MRP लिखी गई है इस पे 200 रुपीज भी है, और मुझे इसे 20% ऑफ में मुझे ये मटेरियल मिल गया था मार्केट में, बिकॉज मैंने स्पेशली कंपनी से रिक्वेस्ट करके मंगवाया था, और मल्टीपल कलर्स में आता है। तो मैं बेसिकली इसके अंदर 8 स्ट्रिप आती है, तो यानी अगर देखा जाए MRP के हिसाब से आपका 25-20 का एक स्ट्रिप होता है 8 रुपए के हिसाब से, और इसका जो डायमेंशन आता है वो आता है 20 mm by 45 cm। तो जैसे आप देख सकते हैं 20 mm विच इज लाइक लेस देन 1 mm, और ये 45 cm भी है। इसमें बड़े रोल्स भी आते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट कितनी, वो मार्केट से आप जाके स्पेशल परचेज कर सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है गाइस, देखो इसमें जो ये टेप है ये ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर की है, मेरे पास ब्लैक भी है, मैं आपको वो वीडियो डालूंगा अभी जहां मैंने टॉयलेट के अंदर खुद ने डेमोन्स्ट्रेट किया है। ये ट्रांसपेरेंट होती है तो आप इसको उखा सकते हैं यहां से, और ये वाला जो पार्ट है ये जमीन पे चिप जाता है। तो अगर आपका व्हाइट सर्फेस है तो आप व्हाइट यूज कर सकते हैं, अगर आपका दूसरा सर्फेस है आप दूसरा भी यूज कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा जो आपको कंफर्टेबल लगता हो वो कलर यूज करें। और अब मैं आपको इसका एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें हमने ये मेरे टॉयलेट में लगाई है। तो गाइज, जैसा कि आप देख चुके हैं कि मैंने इसको अपने पेरेंट्स के वॉशरूम में लगा दिया है, तो ये हमारा वॉकवे होता है जहां वॉकवे करते हैं और ये शावर करते हैं, और ये एक मैंने कमोड के पास भी लगाया क्योंकि हम जब उठते हैं बाई चांस पानी हो तो हमारा पैड स्लिप ना करे। तो आप इसका इस टाइप का अरेंजमेंट कर सकते हैं, या अगर चाहें इसको मैंने हॉरिजॉन्टल लगाया है, आप चाहें तो इसको वर्टिकल्स भी लगा सकते हैं, जहाँ पे आपको लगता हो कि आपके पैर ज़्यादा जाते हो वहाँ पे इसको आप लगा सकते हैं और स्लिप होने से बच सकते हैं। तो गाइज, जैसा आपने देखा होगा कि मैंने ये टेप अपने टॉयलेट में लगाई है पेरेंट्स के, बट इसमें एक दो चीज़ आप ध्यान रखिएगा गाइज, के इसको लगाने का तरीका ये है कि एक तो इसको प्रॉपरली सरफेस को एकदम क्लीन रहना चाहिए, सरफेस पूरा सूखा रहना चाहिए, उसके बाद में इसको अच्छे से लगा के आप इस पर कुछ टाइम तक वाटर यूज ना करें। जैसे आप रात को लगा सकते हैं और सुबह इसको यूज करते हैं फर्स्ट। सेकंड, आप ध्यान रखें कि इसके ऊपर हमारी जो बैठने वाली कुर्सी होती है या बाल्टी होती है उसको अगर इस पर ज्यादा रगड़ा तो शायद इसके उखलने के चांसेस है, बिकॉज मेरा एक उखला था और मुझे पता लगा था कि मेरे पेरेंट्स वहां पे स्टूल यूज करते थे उखलने के लिए, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। शावर एरिया में आप लगा सकते हैं, और इसमें जो इन्होंने लिखा है दैट, मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ कि दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज आइडियल फॉर स्टेयर्स, सीढ़ियों में भी काफी स्लिप होते हैं, फ्लोर्स पे आप लगा सकते हैं, आप रैंप वॉक जो होता है रैंप वहां लगा सकते हैं, रैंप पे आने की जो परमानेंट सॉल्यूशन है कि आप उसकी ग्रूविंग करवा दें वहां पे मशीन से तो सबसे बेस्ट है। किचन्स में आप यूज कर सकते हैं, लोडिंग डॉक्स है वहां यूज कर सकते हैं, गैरेजेस में यूज कर सकते हैं, और कोई भी ऐसा सरफेस जहां आपको लगता हो कि हम में से कोई भी स्लिप हो सकता है, कि इट्स नॉट अबाउट के हमारे पेरेंट्स के लिए, शायद हमारी सबकी सेफ्टी के लिए है। मैं हमेशा कहता हूँ दैट प्रिकॉशन यू नो इज ऑलवेज बेटर देन क्योरिंग। सो इसमें जो कलर्स अवेलेबल हैं, नॉर्मली जो मार्केट में कलर आता है वो ब्लैक या फिर ट्रांसपेरेंट आता है, ट्रांसपेरेंट मैंने दिखा दिया, ब्लैक आपने वीडियो में देख लिया, और भी जो कलर्स आते हैं मेरे पास इसमें रेड भी मिल जाता है, येलो भी मिल जाता है, ग्रे भी मिल जाता है, स्पेशली जो इसके बड़े रोल आते हैं आई थिंक उसमें आप अच्छे कलर्स और मंगवा सकते हैं। तो गाइज, ये था आज का वीडियो एंटी स्लिपरी टेप के बारे में। मैं रिकमेंड करूंगा आप सब लोग इसको परचेज करें और अपने घर में लगाएं, स्पेशली अगर आपको लगता हो कि आपके पेरेंट्स ओल्ड एज हैं और आपको लगता हो कि हमें सेफ्टी की जरूरत है। सो थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियोस देखने के लिए, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। आपको लगता हो, किसी भी इंसान को लगता हो कि इस मटेरियल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, या अपने पेरेंट्स को या शेयर करें, और थैंक यू सो मच।